नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। ब्लॉक प्रमुख भादर की अगुवाई में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लोगों ने देखा लाइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच गए हैं। अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले वो यहां काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर रहे हैं। पीएम यहां पहुंचकर सबसे पहले काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की और गंगा नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया। कॉरिडोर के उद्घाटन के साथ पीएम मोदी कई अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उनके बीजेपी के पदाधिकारियों से भी मिलने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई हस्तियां भी इस मौके पर मौजूद हैं। पीएम के आगमन के कई दिनों पहले ही शहर को साफ सुथरा करके सजाया गया है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री के आह्वान पर भादर ब्लॉक प्रमुख प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में अयोध्या नगर बाजार में ग्रामीणों के साथ बाजारवासियों ने प्रधानमंत्री मोदी का लाइव कार्यक्रम देखा। बनारस में हो रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए लोग भावुक हो उठे और इस उद्घाटन को लेकर प्रधानमंत्री को हार्दिक धन्यवाद दिया। सैकड़ों की संख्या में सुबह से ही लोग प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखने के लिए उत्सुक दिखे। इस मौके पर मनीष सिंह, शैलेश पांडे, राजेश यादव, सुरेंद्र यादव जालपा, बीटीसी प्रतिनिधि घनश्याम यादव, सुरेंद्र मौर्य, बीटीसी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। राम कैलाश पटेल की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जी जब बनारस से जीते, प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने वादा किया था कि काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार क्या अच्छा एक बनेगा, उसका उन्होंने आज लोकार्पण किया। आज 5-6 साल बाद अकल्पनीय एक बहुत बड़ी चीज़ जो बहुत दिनों से काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने में लोगों को, जो भक्त लोग हैं, दिक्कत होती तो बहुत दूरी हुई। बहुत अच्छा काम हुआ आज, एक अविश्वसनीय ऐतिहासिक काम जो आज हुआ उसी का हम लोग यहाँ लाइव देख रहे थे और अपने माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के वक्तव्यों को, भाषणों को सुना। यही हमारा ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।